अगर क्लास टेंथ का फिजिक्स एक गिलास पानी है तो क्लास इलेवेंथ का फिजिक्स एक बाल्टा पानी है। और इसी से क्या होता है कि आपका जो जो कॉन्सेप्ट है इधर उधर हो जाता है। तो जब आप सोच लिए हैं तो मेहनत कीजिए, टाइम निकालिए और कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू स्टडी क्लास 11 फिजिक्स। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ गया था कि सर क्लास 11 का जो फिजिक्स है वो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, कैसे टाइम मैनेज करें, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ें। तो आपका जितना भी प्रॉब्लम है फिजिक्स का आज के इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 11th फिजिक्स की हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खास बात बताएंगे कि अभी अभी आप क्लास 10 पास करके आए हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा नया बात बता दिए, अभी 10th का एग्जाम दिए थे, रिजल्ट आया, पास कर गए और अभी क्लास 11th में आए हैं। तो क्लास 10th और क्लास 11th दोनों का फिजिक्स आपने देखा है? यस सर, देखा है। क्या उसमें आपको डिफरेंस लगा? सर सिलेबस का डिफरेंस लगा। क्लास 11 का फिजिक्स और क्लास 10 का जो फिजिक्स है उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर क्लास 10th का फिजिक्स एक गिलास पानी है तो क्लास 11th का फिजिक्स एक बाल्टा पानी है। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप क्लास 10th में फिजिक्स को एक घंटे देते थे तो यहाँ 5 घंटे देना होगा। अगर आप क्लास 10th में फिजिक्स आधे घंटे पढ़ते थे तो यहाँ 3 घंटे पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा हुआ है। तो जो हमारा जो पढ़ने का टाइम था वो भी क्या होगा? बहुत ही बड़ा होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या काम करना है, अगर आप फिजिक्स को अपना बनाना चाहते हैं, उस पर राज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपको अपना खास चीज उसको देना होगा, वो है टाइम। क्या देना होगा? टाइम देना होगा। किसी के मन में ये आ रहा होगा कि हम आधे घंटे रोज पढ़ेंगे, 1 घंटे रोज पढ़ेंगे और फिजिक्स को अपना बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मिनिमम कितना, तो 3 घंटे रोज तो फिजिक्स को देना ही होगा, तभी ये जो फिजिक्स है वो आपका अपना बनेगा। नहीं तो क्लास 11th में भी फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होता रहेगा, क्लास 12th में भी होता रहेगा और मेन जो क्लास 12th का बोर्ड है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है। 3 घंटे भी बहुत ही कम है, लेकिन इतना तो मिनिमम देना ही देना है। अगर आप पीसीएम लिए हैं या पीसीबी लिए हैं, तो जेई का एग्जाम देना चाह रहे हैं, नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो जब आप चाह लिए हैं तो इतना टाइम निकाल कर मेहनत कीजिए। कितना? 3 घंटे। अब 3 घंटे टाइम में आपको क्या काम करना है? तो जैसे आप अभी क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप तो खुद से पढ़ रहे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ऑफलाइन में कोई ट्यूशन में पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे होंगे या कहीं पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे। तो मान लीजिए कि अगर वहाँ पे 1 घंटे डेली फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है तो बाकी का जो बचा हुआ 2 घंटा है ये आपको क्या काम करना है? तो सेल्फ स्टडी में देना है। ठीक, तो सबसे पहले टाइम निकालिए कि कब आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी कीजिएगा और कब आपका ये फिजिक्स आपके सर से पढ़ने का टाइम है। क्योंकि जब तक हम टाइम नहीं निकालेंगे, टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए आज सोच लिए कि हम इतना पढ़ेंगे, लेकिन उसका कोई टाइम ही नहीं रहेगा तो क्या, कब पढ़ाई होगा? वो तो हमारा टारगेट फेल हो जाएगा, हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप समय जो है अपना अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिए कि कब आपको पढ़ना चाहिए, जब आपको अच्छा लगे। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है कि कभी भी आप क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करें तो ये नहीं कि सीधा ऐसे आए अंधा की तरह और चैप्टर उठा के पढ़ना शुरू कर दिए, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला आपको क्या काम करना है? बेसिक मैथ को कंप्लीट करना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर बेसिक मैथ क्या है? तो बेसिक मैथ क्या है? जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 11th का, 12th का, ये सब जो बेसिक मैथ है, जो जिनका मैथ हिस्ट्री में उनको तो 12th में 11th में यही सब तो पढ़ना ही है, लेकिन जिनका बायोलॉजी स्ट्रीम है, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी छोटा छोटा जो ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर है, ये सब कंप्लीट रखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर
ये फिजिक्स में ये मैथ क्यों कंप्लीट रखना है ये आप हमें बताइए। ये सारे टीचर बोल रहे हैं कि बेसिक मैथ कंप्लीट रखो, क्यों रखो ये बताइए। अभी आप क्लास से टेंथ का फिजिक्स पढ़े हैं तो आप देखे होंगे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल कितना था, 30% था, और 70% जो फिजिक्स था वो लगभग थ्योरी ही था। आपको याद करना था कि क्या रेसिस्टेंस होता है, क्या करेंट होता है, क्या वोल्टेज होता है, क्या मैग्नेट होता है, यही आपको क्या लाइट होता है, ये उसका प्रॉपर्टी याद करना था, और बहुत लिमिटेड मात्रा में क्या था, न्यूमेरिकल था। लेकिन जब आप क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि थ्योरी जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और न्यूमेरिकल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और जैसे 11th है फिर 12th आएगा, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं फिजिक्स से तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि फिजिक्स पूरा एक प्रकार का मैथ ही हो जाता है, ठीक है। तो बिना मैथ के हम क्या कर सकते हैं, न न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और न ही फिजिक्स का कोई डेरिवेशन समझ सकते हैं, न ही थ्योरम समझ सकते हैं, समझ रहे बात को। तो बिना मैथ के फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। तो बेसिक मैथ में जितने भी टॉपिक है वो बिल्कुल जीरो लेवल से, नर्सरी लेवल से हम करा देंगे। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो करा भी दिए हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ वाले तो बच्चे आपको पढ़ना ही है क्लास 11, 12 मैथ में, लेकिन जो ये बायोलॉजी वाले हैं वो भी, उनको भी पढ़ना है बेसिक मैथ हल्का फुल्का जो ज़रूरी है, ये आपका हो गया। अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो सबसे पहले दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप फिजिक्स पढ़ने का टाइम निकाल लीजिए। मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि मेरा IIT में एडमिशन हो जाए, एम्स में एडमिशन हो जाए, बोर्ड में हमको 99% आ जाए, हम क्लास 11, 12 में स्कूल टॉपर बन जाए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाए। सोच तो सब सकता है, जो भी IIT और नीट का प्रिपरेशन कर रहा है सब सोच रहा है कि मुझे IIT और एम्स मिल जाए। सबको नहीं मिल पाता है, क्यों, क्योंकि मेहनत नहीं हो पाता है। तो जब आप सोच लिए हैं तो मेहनत कीजिए, टाइम निकालिए और कीजिए, और दूसरा बेसिक मैथ आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अब आप आइए पढ़ाई करने, फिजिक्स का ओरिजिनल जो पढ़ाई है अब उसको करने आइए। सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले आपको जो पढ़ाई करना है फिजिक्स का वो NCERT बुक के अकॉर्डिंग करना है। सर हमारे पास ये राइटर का बुक है, वो राइटर का बुक है, सर हमारे पास ये नोट्स है, क्या उससे नहीं पढ़ाई करना है? उससे करना है, उसी से करना है। लेकिन सबसे पहला जो मेन हमें पढ़ाई करना है वह NCERT से करना है, मतलब कि NCERT के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये नहीं कि सर NCERT में तो बहुत कम दिया हुआ है, उतना पढ़ के क्या होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को हम लेते हैं, ठीक है कम दिया हुआ है तो पहले उसको पढ़िए, उसके बाद आपको दुनिया जहां जहां से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन NCERT से तो पढ़िए ही पढ़िए। अब पढ़ना कैसे वो आपको हम बताते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग जब भी फिजिक्स का पढ़ाई करें क्लास 11th में या किसी भी सब्जेक्ट का, NCERT को अपने साथ में रखें ही रखें। इससे क्या होगा कि आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन होता चलेगा, ठीक है। चलिए अब जैसे पहला चैप्टर है व्हाट इज फिजिक्स, तो वो तो कोई चैप्टर है नहीं, उससे तो क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। हाँ स्कूल वाला जो एग्जाम है उसमें एक दो नंबर का पूछ लेता है, वो अलग बात है। सबसे पहला जो चैप्टर समझिए वो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। अब कैसे पढ़ना है आपको हम बताते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट से कैसे सिलेबस का तैयारी करना है। जब भी आप कोई भी चैप्टर को तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तो सबसे पहले ये ध्यान में लेके मत चलिए कि हमें पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से करना है, बिल्कुल नहीं। आप टॉपिक वाइज पढ़ाई कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यूनिट एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट किए, इसका जो पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये जो टॉपिक हमने पढ़ाई किया पहला, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो जब तक ये टॉपिक हमें अच्छे ढंग से समझ में नहीं आता है हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ये सोच के आपको पढ़ाई करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पहला टॉपिक है, हमारे सर ने पढ़ाया, सर बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेकिन सर हमें समझ में नहीं आया, हम क्या करें। तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आज YouTube पे लाखों टीचर हैं, आप खोज खोज के परेशान हो जाइए, जब तक आप इस टॉपिक को सीख नहीं लीजिए बिल्कुल आगे मत बढ़िए, एकदम इस टॉपिक को सीख ही लेना है, ठीक। अब मान लीजिए ये टॉपिक हमें आ गया,
तो फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं तो उसको ये नहीं कि थ्योरी पढ़ के छोड़ देना है, उस टॉपिक से मिनिमम 10 न्यूमेरिकल तो आप कर ही लीजिए। अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं तो बोर्ड लेवल का ही 10 न्यूमेरिकल कीजिए। आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जेई और नीट लेवल का 10 न्यूमेरिकल कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी टॉपिक आप सोचेंगे हम बिना न्यूमेरिकल किए पढ़ ले, मान लीजिए कि ये टॉपिक हम पढ़ लिए और इससे जितना भी क्वेश्चन है वो किए ही नहीं, तो सारा पढ़ा हुआ बेकार है। ठीक, तो थोड़ा कम ही पढ़िए लेकिन क्वेश्चन एकदम कीजिए। अब ये हो गया। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। अब मान लीजिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़ा और ये हमें 100% समझ में आया, इससे जितना भी क्वेश्चन है वो भी समझ में आया, ठीक, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझ में आया तब इसको छोड़ो, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगला नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया, और इसी से क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इधर उधर हो जाता है और आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 50 टॉपिक पढ़ना है, 10 टॉपिक ही पढ़िए लेकिन पूरा अच्छे ढंग से उसको कंप्लीट करते हुए चलिए। नहीं आ रहा है, मान लीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट आप पढ़े, नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे खोल लीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट, लाखों वीडियो का देख देख के थक जाइए कि जब तक समझेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और ये जब आप ये इस टाइप से अगर पढ़ाई कीजिएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आप विश्वास कीजिए आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपका जो पढ़ाई करने का तरीका होना चाहिए ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चैप्टर पढ़े, ठीक है आधा चीज़ समझ में आया बहुत बढ़िया, आधा नहीं आया बहुत घटिया, ऐसा नहीं है। पढ़ाई करना है तो एक एक टॉपिक का राजा बन जाना है, चाहे ये कोई भी टीचर से हम सीख लें, ठीक है। तो आप अपने पास ऑप्शन भी बहुत सारे रखें। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बुक हमें बनाना चाहिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को तो आप बनाइए ही, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसको अगर आप बनाते हैं तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बना रहेगा, और एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस रहेगा तो क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो उस समय भी आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे, और बोर्ड में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आता है। तो अभी से ही ये प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि हम लोगों को जेईई एग्जाम भी देना है, नीट भी देना है, और साथ में जो अपना बोर्ड है सीबीएसई अंकल जो लेते हैं बोर्ड का एग्जाम वो भी देना है, तो उसकी भी तैयारी आपको साथ साथ करनी है। अब आता है कि अब सबसे खास पॉइंट आपको क्या काम करना है, पढ़ाई तो ऐसे करना है। अब क्लास 11th और क्लास 12th में इतना पढ़ना है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, टाइम है 2 साल, 2 साल क्या आधा महीना, तो आधा साल तो आपका ही 10th में ही रिजल्ट उजल्ट में ले लिया, अब आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं 1.5 साल का समय है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं कि कितना भी पढ़िएगा आगे पढ़िएगा पीछे भूल जाइएगा, तो सबसे मेन चीज़ है वो है क्या, रिवीजन और टेस्ट। तो रिवीजन और टेस्ट का भी आप डेली टाइम बनाइए, क्लास 10th में आप 1 हफ्ते में 1 बार करते थे वैसा नहीं है, यहाँ पे आप डेली एक फिक्स टाइम बनाइए, जिस दिन रिवीजन कीजिए, कोई ना कोई टेस्ट अटैम्प्ट करते रहिए, इससे क्या होगा कि सारा चीज़ आपके दिमाग में चलता रहेगा। नहीं तो इतना पढ़ना है ना कि आप एक टॉपिक पढ़ेंगे भूल जाएंगे, चैप्टर 2 पढ़े, चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 याद रहेगा, चैप्टर 7 तक जाएंगे पीछे का सारा कुछ साफ, ठीक है, कपड़ा साफ के तरह। तो इसलिए क्या करना है, डेली आपको रिवीजन भी करते चलना है, 1.5 घंटे का डेली बनाइए, उसमें आधा घंटा फिजिक्स का रिवीजन कर लीजिए, आधा घंटा केमिस्ट्री का, आधा घंटा मैथ का, बायोलॉजी का, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, और टेस्ट अटैम्प्ट करते रहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर टेस्ट कहाँ से दे, तो अगर आप कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से अगर पढ़ रहे हैं तो खुद से नेट पर बहुत सारा टेस्ट है चैप्टर वाइज वो दीजिए, आप कहीं ट्यूशन वगैरह में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे DPP मिलता है उसको तो एकदम बनाइए, ठीक है। DPP जो है कहीं भी मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे क्या होता है कि टॉपिक आपके दिमाग में चलता रहता है, हर चैप्टर का घूमता रहता है, इससे आप DPP बनाने से आप किसी भी चीज़ को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सब काम अगर आप करते हैं क्लास 11th फिजिक्स में तो फिर आपको बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर से बता रहे हैं, सबसे पहला आपको क्या काम करना है, टाइम निकालना है, टाइम देना है, बेसिक मैथ को कंप्लीट करना है, और फिर हमें टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज पढ़ाई नहीं करना है, टॉपिक वाइज इस टॉपिक को उठाएं तो अब इसका राजा महाराजा बन के ही अगला टॉपिक में जाएंगे, उसके बाद
डेली रिवीजन, थोड़ा देर का ही हो लेकिन डेली हो, और साथ में टेस्ट पेपर या DPP जो भी आप कह लीजिए उसको तो अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, बाबू सोना अगर हो तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।